थी यमुना रिवर, जब उसके सामने वाला जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं ना उधर की तरफ, ये ब्लैक कलर के ताजमहल का फाउंडेशन है। शाहजहाँ इसी जगह पर काला ताजमहल बनाना चाह रहे थे जो कि उनके बेटे औरंगजेब ने नहीं बनने दिया था। सर शाहजहाँ का प्लान था, उनका क्या प्लान था कि इधर वाइट उधर ब्लैक यमुना का ब्रिज, अगर बन ब्रिज अगर बन जाता तो आज हमें दोनों ताजमहल एक साथ देखने को मिल जाते। अब इस जगह का नाम क्या दिया गया, प्रेजेंट में हम इस जगह को किस नाम से जानते हैं, मेहता बाग के नाम से। तो सर जब फ्राइडे के दिन जब ताजमहल बंद रहता है ना, तुम्हारे जितने भी टूरिस्ट भाई बहन आते हैं ना, इसी बात से ताजमहल को देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं सर, क्योंकि ताजमहल आप पीछे से भी देखते हो तो आपको सेम ही नजर आए। ये नवाज के लिए सफाई वगैरह हो तो नवाज का टाइम होता है। तो सर ये जो मेहता बाग है ना 150 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जबकि ताजमहल मैंने आपको बताया था 48 एकड़ में। आगरा में जितनी भी मूवी वगैरह का शूटिंग होता है ना सर, इसी के अंदर से होता है। आगरा में जितना भी मूवीज पिक्चरों का शूटिंग होता है ना ताजमहल का, इसी के अंदर से होता है। और यहाँ पर तीन तरह का कैदी भी होता है, केले का, बांस का, मधुमक्खी का, जो यहाँ के सेंट्रल जेल के कैदी होते हैं ना सर, रविवार के दिन आकर करते हैं। तो जो कि आगरा का फेमस बनाते हैं बैम्बू कॉटन एंड बनाना कॉटन, केले के पत्ते का थाली, बांस के पत्ते का थाली, 100 ग्राम फेमस है। लंबर वन ताजमहल के लिए लंबर टू होता है आगरा का सूट पेटा, उसके लिए लंबर थ्री बैम्बू बनाना कॉटन, लंबर चार लेदर के लिए आगरा बड़ा फेमस है। लखनऊ से भी आ गया जी, लखनऊ से भी आ गया कानपुर तो यूपी में है। अब तो लखनऊ के बीच में पड़ता है ना, हाँ कानपुर आगरा और लखनऊ के बीच। फेमस था आपको पता होता है उसे यहाँ से हटा के बरेली शिफ्ट कर दिया। और सर यहाँ पर चार मेन बिल्डिंग है देखने के लिए, ताजमहल लंबर वन पर है, लंबर टू पे आगरा फोर्ट है, लंबर थ्री पे फतेहपुर सीकरी है, लंबर चार पे सिकंदरा है, अकबर का डोम बना हुआ है। सर ये देखिए जो लेफ्ट हैंड की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आगरा फोर्ट है, साझा मुमताज का निवास मान लीजिए, घर मान लीजिए उनका। और यहाँ पर देखिए तीन डोम नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर में छोटे छोटे रखे हुए तीन डोम। सर वहीं पर साझा को क्या किया जाएगा, साझा वहाँ से बैठ कर मुमताज की इस बिल्डिंग को देखा करते थे ताली। तो सर जब मुमताज की मौत हुई तब उनकी उम्र थी 39 ईयर्स, और जब साझा खत्म हुए तब उनकी उम्र थी 74 ईयर्स। लगभग 35 साल बाद साझा खत्म हुए, मुमताज के मरने के बाद भी 35 साल तक जीवित रहे थे। और उन 35 सालों में तो उन्होंने क्या किया था सर, कि 22 साल तो इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च कर दी, 2-3 साल इधर काम कराया, 9 साल के करीब वो आगरा फोर्ट के अंदर कैद रहे थे। और सर यही आगरा फोर्ट है जब मुगल काल में अपनी इंडिया का राजधानी, समझ में आया। ये फाउंडेशन मतलब नजर बंद कैद करने का मतलब ये नहीं है कि तकड़ी वगैरह लगा दी, नजर बंद कर दिए। फोटो वो देखते थे ताजमहल समय राजधानी एवं आसी थी सह उक्तवान। तो ये सब भी गवर्नमेंट के अंडर है, हाँ पूरा गवर्नमेंट का, इसका भी टिकट लगता है 20 रुपीज़ का। ये जो ये सामने देखो ऐसा एक चौकोन जैसा है, तो केवल फाउंडेशन है, बता इतना छोटा है फिर वो काफी काला किसका महल का। ये जो ऐसा दिख रहा है देखो, ये 4-3 लड़के ये बना रहे सर, इसे दिल गया चल रहा है। ताजमहल इति भवनस्य पृष्ठतः दृश्यं पश्यतु। एतस्मिन् वर्षे अतिवृष्टिः अभवत्, अतः यमुना नदी जलम् अत्र उपरि आगत्य ताज्महल् भित्तिं स्पर्शनम् अभवत् इति केचन उक्तवन्तः। बहुकालेभ्यः एव यमुना नदी जलम् उपरि आगत्य ताज्महल् भित्त्या सह स्पर्शनम् अभवत् इति अपि अस्माकं गैड् उक्तवान्। हर जगह दुकान पंची है।